हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरसी क्लासेज। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ प्रथम पाली 12 जनवरी को संपन्न हुई बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का फुल एनालिसिस। दोस्तों, इसमें पूरे 100 प्रश्न से है, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज का पहला प्रश्न पर। अगर यह वीडियो दोस्तों पसंद आए तो लाइक करें तथा ऐसे ही वीडियो को फ्यूचर में पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? दोस्तों, इसका सही जवाब है 1498 में। जैविक खेती किस राज्य में शुरू हुई? सिक्किम में दोस्तों, जैविक खेती सिक्किम में शुरू हुई। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किन्हें सौंप देते हैं? दोस्तों, उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। भारी जल का अनुभार कितना होता है? दोस्तों, भारी जल का अनुभार 20 होता है। मोमबत्ती का जलना कैसा प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया है दोस्तों। मोमबत्ती का जलना रासायनिक प्रक्रिया है। और मोमबत्ती का पिघलना दोस्तों कहा जाएगा तो ये भौतिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ है? दोस्तों, 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ है। रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होता है? दोस्तों, विटामिन के रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एड्स बीमारी किससे फैलता है? दोस्तों, विषाणु से। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन सबसे बड़ा डेल्टा है। इंडिया होम की स्थापना कब हुई थी? 28 अप्रैल 1916 में इंडिया होम की स्थापना हुई थी। लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या है? दीनानाथ मंगेशकर लता मंगेशकर के पिता का नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग का है? दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी जो है निराला छायावादी युग का है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो मैथ्स है दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ए हो जाएगा, ए तथा बी एक नल को, ए तथा बी नल एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 9 घंटे में भर सकता है। नल सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने देर में भरेगी? दोस्तों, 5.1/7 घंटा में, ठीक है दोस्तों, 5.1/7। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवने बहने की दिशा है? दोस्तों, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रिवोल्यूशन हुई थी? इंग्लैंड की क्रांति की बात की जा रही है दोस्तों, 1688 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इंग्लिश से है, सोहन से दैट इट इज़ बेटर टू इन द डैश, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा लीव, ठीक है दोस्तों। यूरोप के किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है? कॉपरनिकस ने यह खोज की थी दोस्तों। नेक्स्ट है, यदि टेन अल्फा इक्वल टू के, ठीक है दोस्तों, ये अल्फा है, ए इक्वल टू अल्फा मान लेते हैं और बी इक्वल टू बीटा मान लेते हैं। टेन अल्फा इक्वल टू के कोट बीटा है, तब कोस ब्रैकेट में है दोस्तों अल्फा माइनस बीटा ओब्लिक मतलब बट्टा में है दोस्तों, ठीक है, कॉस अल्फा प्लस बीटा के बराबर है। कौन सा दोस्तों? तो 1+k और 1-k दोस्तों, 1+k बट्टे 1-k। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लिश से है, दिस इज़ माई कज़न हिज नेम इज़ राज। दोस्तों, ये दो सेंटेंस था, इसको एक सेंटेंस में करना था, तो दिस इज़ माई कज़न राज, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? दोस्तों, इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोस्तों तापमान की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। तो 11 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है दोस्तों। नेक्स्ट है, देश आज़ाद होने के बाद भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन थे दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी वस्तु को 5% डिस्काउंट देकर 380 रुपये में बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का मार्केट प्राइस कितना है? दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 500 रुपये। हम मैथ बना चुके हैं दोस्तों, सोल्व किए हैं दोस्तों, इसका आंसर आया है 500। आगे बढ़ते हैं, किसी कलम का क्रय मूल्य 20 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 25% रुपये है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों, क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं था, ये हम पहले टाइप कर चुके थे, ठीक है दोस्तों। ये जो जैसा क्वेश्चन है वो रियल क्वेश्चन नीचे डाले हुए हैं, ठीक है, वो आगे प्रश्न यह हमें मिलेगा दोस्तों, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हम जान लेते हैं, 25% का लाभ होगा दोस्तों। क्वेश्चन ऐसे किंतु नहीं है दोस्तों, ये हम पहले से टाइप कर लिए थे, इसको हम दोबारा टाइप किए हैं दोस्तों, नीचे में आगे मिलेगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 4367 का घात 245 का इकाई अंक क्या हो जाएगा?
दोस्तों 7 हो जाएगा, सोल्व करेंगे दोस्तों इसको 7 हो जाएगा। भारत का उत्तरी अक्षांश क्या है? उत्तरी अक्षांश है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन दोस्तों दोबारा मिलेगा क्योंकि ये जो है एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, ये पहले से दोस्तों टाइप किए हुए थे, हम नीचे सबको दोबारा बनाए हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संधि में क्या मिला होता है? दोस्तों संधि में वर्णों का मेल होता है। समुद्र के जल को शुद्ध किस विधि द्वारा किया जाता है? तो डेसिलिनेशन विधि द्वारा। ठीक है दोस्तों, बाइल जूस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइपेज। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्रिस्टल निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है? दोस्तों क्लोरोफिल। ठीक है दोस्तों, क्लोरोफिल दोस्तों ये मिस्टेक हुआ है दोस्तों यहाँ पे, बाइल जूस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो दोस्तों लाइपेज, लाइपेज जो है बाइल जूस में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? दोस्तों तो एल्गी में, एल्गी में दोस्तों क्लोरोफिल पाया जाता है। सिनोनिम्स दोस्तों पूछा गया है ग्लाइटर का, तो दोस्तों ग्लाइटर का हो जाएगा शाइनिंग, चमकना। ठीक है दोस्तों, उसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा शाइनिंग। डिसेंड का एंटोनिम्स पूछा गया दोस्तों, अपोजिट वर्ड उल्टा, एसेंड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एसेंड जो हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। कौन से कोयले में कोयला की मात्रा अधिकतम पाई जाती है? दोस्तों एंथ्रासाइट कोयला, 96% इसमें कोयला पाई जाती है, जो सबसे अधिकतम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3, 13, 28, 8, 16, 38 और एक्स का औसत 18 है, तो एक्स का मान क्या होगा? दोस्तों इसका सही जवाब आएगा 25। ठीक है दोस्तों, इसको हम सोल्व कर चुके हैं। फूलों को खेती को क्या कहते हैं? फूलों की खेती को दोस्तों फ्लोरिकल्चर कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, कल्चर कहते हैं फ्लोरिकल्चर। ठीक है दोस्तों, हॉर्टिकल्चर मतलब होता है बागवानी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का हाई ब्रिज डाइजेशन बनता है SP² में दोस्तों। ठीक है, SP2 है दोस्तों। ठीक है, SP2 है। आगे बढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य द्वारा चुना जाता है। वेग दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या होगी? वेग दुगुना करने पर दोस्तों गतिज ऊर्जा 4 गुनी होगी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? दोस्तों इसका सही जवाब है छिपकली। मेहरुन्निसा परवेज को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री से। निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? हिरण। ठीक है दोस्तों, हिरण जो है प्राथमिक उपभोक्ता है। कौन सी एकांकी विष्णु प्रभाकर की नहीं है? बादलों के पार। बादलों के पार जो है दोस्तों विष्णु प्रभाकर नहीं लिखे हैं। क्षार धातु में क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक बिना दोस्तों NH2N PS1 है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जलीय विलयन में क्षार धातुओं की अपचायक सामर्थ्य की सही क्रम है दोस्तों, ये है दोस्तों Li सोडियम। ठीक है दोस्तों, ऐसे है दोस्तों, बढ़ते क्रम में दोस्तों हम लिखे हुए हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन में। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द क्या बनेगा? चचेरा बनेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वर्गीकरण के द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी? दोस्तों इसका सही जवाब है लिनियस ने दी थी। कौन सा स्वपोषी घटक नहीं है? अपघटक। ठीक है दोस्तों, अपघटक जो है स्वपोषी घटक नहीं है। कर्मवाच्य वाक्य के चयन करें। कर्मवाच्य दोस्तों कौन है? ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। नेक्स्ट है, कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है? कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है? दोस्तों आइसायह वर्लिन है दोस्तों। ठीक है, निम्न में कौन शुद्ध क्रिया विशेषण है? धीरे धीरे जो है दोस्तों शुद्ध क्रिया विशेषण है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्न में से किस एसिड को जमा होने से मांसपेशियों में थकावट होती है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लैक्टिक अम्ल अधिक होने से मांसपेशियों में थकावट होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था। आसमान के नीले होने का क्या कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन आसमान के नीले होने का कारण है। कोशिका भित्ति डैश अनुपस्थित होती है। ठीक है दोस्तों, जंतु कोशिका में डैश खाली जगह पर है दोस्तों, डैश था, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, जो इंग्लिश से है, सिंस द कीज आर विथ माई मदर आई -- योर मनी। दोस्तों कैनोट लैंड होगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, कैनोट लैंड यहाँ पर होगा आंसर। निम्नलिखित ऑक्साइडों के अम्लीय गुण का सही क्रम है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, ये घटते क्रम में दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, ये दोस्तों सही है अम्लीय गुण। नेक्स्ट आते हैं, एक सरल रेखीय पूर्ति वक्र की कीमत के अक्ष को काटता है, तो पूर्ति लोच क्या होगी? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अक्षांशों में से भारत के मुख्य भूमि से होकर गुजरने वाली अक्षांश क्या कौन सी है? दोस्तों ये हो जाएगा आंसर 29 डिग्री 36 मिनट दोस्तों उत्तरी।
क्षार धातु में क्या होती है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक विनाश होता है। क्षार धातु में इलेक्ट्रॉनिक विनाश दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों, ठीक है। ऊपर हम ऊपर दोस्तों बताए हुए हैं, ऊपर दोस्तों बताए हुए, देख लीजिएगा ऊपर जा करके, वीडियो को बैक करके। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ है दोस्तों? 18 जुलाई 1947 को। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है? प्लास्टिक। प्लास्टिक निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है दोस्तों? प्लास्टिक। केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप है? माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था, एक कहानी का दोस्तों नाम है, उसने कहा था कि नायक का नाम क्या है दोस्तों? लहना सिंह। लहना सिंह उस नायक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं जो मैथ से है, एक नाव स्थिर जल में 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 15 मिनट में धारा के विपरीत दिशा में चली गई दूरी क्या होगी दोस्तों? तो 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया द्वारा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कोशिकीय पूर्ण सख्तता का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? इसका सही जवाब है हाइबरलैंड। नेक्स्ट पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन जिले में बासकुंड बांध स्थित है? कौन से जिले में दोस्तों? लखीसराय में बासकुंड बांध स्थित है। नेक्स्ट आते हैं, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसका सही जवाब है 1871 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है? चंबल परियोजना का हिस्सा है दोस्तों, चंबल परियोजना का गांधी सागर बांध हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन एक अकोशीय जीव है? विषाणु। विषाणु जो है दोस्तों एक अकोशिकीय जीव है। नेक्स्ट आते हैं, नीलहरित शैवाल है स्वपोषी। शैवाल दोस्तों जो है स्वपोषी है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कौन से करों की वसूली के लिए जिम्मेदार है? करों का वसूली दोस्तों संहारता करते थे वही जिम्मेदार है। नेक्स्ट आते हैं, किसी दो भौतिक राशियों के मानक मात्रक समान रहते हैं किसका? ठीक है दोस्तों, वेग और चाल। वेग और चाल का भौतिक राशि का मात्रक दोस्तों समान है। एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है, पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं दोस्तों। ये इसका सही जवाब है दोस्तों, अगर ये टिक किया हुआ है दोस्तों तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, किसका सही मेल नहीं है? ठीक है दोस्तों, बर्मिंघम था दोस्तों फ्रांस, ये गलत है, ठीक है दोस्तों। सही होगा दोस्तों, बर्मिंघम जो है ब्रिटेन में पाया जाता है, इसलिए ये जो है गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्राइम के लिए सही परिभाषित शब्द कौन सा है? अपराध। ठीक है दोस्तों, क्राइम का सही शब्द जो है अपराध है। निम्नलिखित में से कौन इनमें से निर्गुण और सद्गुण दोनों के लिए थे? निर्गुण और सद्गुण दोनों को दोस्तों मानते थे रामानंद से, ठीक है दोस्तों, रामानंद संबंधित है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अपनी रुचि के शिक्षा संस्था स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है दोस्तों? इसका सही है अनुच्छेद 29(1) है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? इसका सही जवाब है दोस्तों 110(1). आगे बढ़ते हैं, मानव ध्वनि उत्पन्न होती है कंठ द्वारा। मानव ध्वनि जो है दोस्तों कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दिए हैं, वहाँ पे दोस्तों हम SP लिखे हुए थे। देखिए यहाँ पर CO2 में कार्बन की संस्करण अवस्था होती है क्या? SP2, ठीक है दोस्तों, दोबारा रिपीट कर दिए हुए हैं। जब उपर्युक्त आवृत्ति का प्रकाश के किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की प्रक्रिया को कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव करते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दवा पीड़ा हारी है दोस्तों? दर्द को दूर की जाती है दोस्तों, पेनिसिलिन से दूर की जाती है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में से कौन से युग में गलत है? तो नाना साहब अवध दोस्तों, ये गलत है, ठीक है दोस्तों, सही हो जाएगा, नाना साहब का संबंध कानपुर से था। आगे बढ़ते हैं, स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में उल्लेखित है उसका नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में स्वामी दयानंद का विचार उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लिश से है, जो ट्रांसलेट करना था, ओमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन, ठीक है दोस्तों, ओमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन, मीन पढ़ते हैं दोस्तों मीन। इसका सही जवाब है दोस्तों, महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है दोस्तों, ठीक है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। आगे बढ़ते हैं, शैल आई एवर फॉरगेट यू दोस्तों, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आई शैल नेवर फॉरगेट यू, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक किस राज्य में रही? तो मेघालय राज्य में दोस्तों सबसे अधिक रही। बिहार में वह जिला जहां 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई है? मधेपुरा जिला में दोस्तों, ठीक है, मधेपुरा जिला में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पहले हम जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों ऊपर दिए हुए थे, वो दोस्तों नहीं था, एग्जैक्ट क्वेश्चन दोस्तों ये था। आगे बढ़ते हैं, किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तथा चाल दोगुना कर दिया जाए तो
गतिज ऊर्जा कई गुनी हो जाएगी दोस्तों, दोगुना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, गतिज ऊर्जा दोगुना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जब औसत उत्पादन अधिकतम है तो एक कारक का सीमांत उत्पादक है, ठीक है दोस्तों, ये बढ़ रहा होता है, बढ़ रहा होता है। आगे बढ़ते हैं, पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वह है सरकार यदि व्यय में वृद्धि करता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं दोस्तों, इसका सही जवाब है अवशिष्ट विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इंग्लिश से है, चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर दोस्तों लिखे हुए डायरेक्ट हम सिर्फ आंसर लिखे हुए हैं प्रोमिजेस, ठीक है दोस्तों, प्रोमिज शुड बी केप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर नहीं है, तो निगम कर जो है दोस्तों अप्रत्यक्ष कर नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के प्रतिपादक अधिकारों को प्रतिपादित किया है दोस्तों, ठीक है, इसका सही जवाब है जॉन लॉक, सर जॉन लॉक थे दोस्तों, ठीक है। और कुछ प्रश्न दोस्तों लेके आए हैं जो लगभग मैच नहीं कर रहा था, उससे संबंधित अब कुछ कुछ डाल दिए हुए थे दोस्तों कमेंट अनुसार, ठीक है दोस्तों, जैसे देखते हैं और कुछ प्रश्न है मिला लीजिएगा दोस्तों, यहाँ है, ठीक है दोस्तों, ये है पूछा गया था, एक ए तथा बी असंयुक्त समुच्चय है एन ए यूरियन बी का मान होगा दोस्तों, सही आंसर दोस्तों ये है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इकाई संतुलित बजट गुणांक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपए की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय एक रुपये बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय एक रुपये दोस्तों बढ़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न है दोस्तों ये सब जो छूट गया था, फॉर्म न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग एन अप्रोप्राइएट प्रीफिक्स पावर ऑफ द प्रैक्सिस गिवन बिलो एबिलिटी, ठीक है दोस्तों, इसमें एबिलिटी से पहले क्या लगेगा, ठीक है दोस्तों, तो इन लगाएंगे, इन लगाकर लगाएंगे दोस्तों तो हो जाएगा इन एबिलिटी, ठीक है दोस्तों, इन का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक्स 75% मामलों में और वाई 80% मामलों में सच बोलते हैं, किसी समान तथ्य को बताते समय प्रायिकता क्या होगी कि दोनों एक दूसरे का विरोधाभास करें दोस्तों, इसका सही जवाब है 7/20, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो इंग्लिश से संबंधित है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, ठीक है दोस्तों, नीचे दिया गया का सही चुनना है दोस्तों, सी है सैड हुर्रा आई विल स्टूड फर्स्ट, ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा सी एक्सचेंज विथ जो आर दैट सी हैड स्टूड फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन दृष्टि मुख्य रूप से जिस कारण से होती है उसका नाम है दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ। जो क्वेश्चन छूट गया है दोस्तों 100 प्रश्न में अगर नहीं आया है दोस्तों, उससे संबंधित अगर हम कोई क्वेश्चन डाल दिए हैं तो यहाँ पर नीचे कुछ क्वेश्चन हमें मिला है दोस्तों जो हम दिए हैं, साझा किया आपके साथ। एक घन के आयतन में अनुमानित परिवर्तन क्या होगा जिसकी एक भुजा x मीटर है तथा उसमें 3% की वृद्धि होती है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आंसर हमारा 0.09 × x, ठीक है दोस्तों। 20 पेनों की कीमत देखिए दोस्तों, ये एग्जैक्ट प्रश्न था, हम इससे पहले कुछ अलग हट के कुछ प्रश्न डाल दिए थे जो स्टार्टिंग में दोस्तों यह क्वेश्चन मिला था कमेंट के माध्यम से, पेनों की कीमत 20 पेनों की कीमत 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कुल हानि प्रतिशत क्या है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा 20% दोस्तों, इसको सॉल्व कर चुके हैं। ये दोस्तों इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन है, सिंस द कीज आर विथ माय मदर आई डैश यू मनी, ठीक है दोस्तों, तो कैन नॉट लैंड, ठीक है दोस्तों, ये हम बता चुके थे कैन नॉट लैंड। चूज द करेक्ट ऑप्शन, फॉर्मल रजिस्टर आर ऑफ्टन यूज टू क्रिएट ए टोन बाय ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर खाली जगह है दोस्तों, ठीक है, खाली जगह पर दोस्तों भराएगा कैरेक्टर, कैरेक्टर भराएगा दोस्तों, ठीक है। बोर की परिकल्पना अनुसार एन में स्थित कक्षा का कोणीय संवेग होता है NH बाय 2 पाए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है टेरिलीन है दोस्तों, संक्षेपक बहुलक का उदाहरण टेरिलीन है। यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, 1 + 3 + 6 + 8 + ……, है दोस्तों n और ब्रैकेट में दोस्तों n+1/2 के बराबर है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा n+1/2/6। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन KClO3 है दोस्तों, LCL में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक क्या है दोस्तों, 4 बढ़ जाता है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, 4 जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा। आगे प्रश्न है दोस्तों, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द अंडरलाइन फ्रेज फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो, ठीक है दोस्तों। इट वाज डिस्कवर्ड दैट यंग मैन वाज ओवर हेड एंड कार इन लव विथ हर, ठीक है दोस्तों, हेड एंड कार की जगह पर क्या यूज होगा, तो कम्प्लीटली होगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ था हेड एंड कार की जगह पर क्या हम यूज कर सकते हैं, तो दोस्तों कम्प्लीटली, ठीक है दोस्तों,
यही था दोस्तों हमारा आज का सारा क्वेश्चन, ठीक है, जो जिससे संबंधित कुछ क्वेश्चन गलत भी दोस्तों डाला हुआ था जिसको हम सुधार करके लिखे हैं, ठीक है दोस्तों। और ये वीडियो अगर पसंद आया है दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें, कुछ डाउट हो तो दोस्तों कमेंट करें और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों, बिहार से संबंधित कोई भी वीडियो पाने के लिए और इसी तरह की जानकारी के लिए, ठीक है दोस्तों। तो और आप बेल आइकन को दोस्तों ऑल नोटिफिकेशन पर रखिएगा दोस्तों, जिस ताकि सारी जानकारी आपको तुरंत मिलते रहे। और पीडीएफ फाइल दोस्तों अगर पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों हम डाल देंगे और वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके।